गणपति बप्पा मोरय। hey guys, फिलहाल मैं खड़ा हूँ बुर्ज खलीफा के सामने। क्या बोला तूने? यानी कि दुबई में नहीं, राउरकेला में। सो छेंड में यहाँ पे बना हुआ है बुर्ज खलीफा। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि मूर्ति कितनी अच्छी बनी है और कितना खूबसूरत बना है ये। सो ये है बुर्ज खलीफा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अभी अंदर और काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने और बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति है जिसमें तबला पकड़ा हुआ है, सॉरी ढोलक पकड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे आप लेफ्ट तरफ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति नज़र आएगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मैं काफ़ी देर वहाँ पे रुका, ठीक है ना, और शॉट्स लेता रहा और जो भी अच्छे शॉट्स हैं मैं आपको ये अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सच में कमाल का। बहुत ही बड़ी साइज़ की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई थी, बहुत ही अच्छा था और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मेले लगे हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी अभी वो लोग सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी काफ़ी सारे स्टॉल जो हैं वो लग चुके हैं। यहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह की शॉप हैं, ये देखिए इस तरह की, वो अभी सेटअप कर रहे हैं शॉप पूरी तरह से, शायद शाम तक या फिर कल तक लग जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो है वो डीएवी चौक के पास है और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे उदित नगर की तरफ, तो यहीं पे रुक गए, थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। यहाँ की मूर्ति भी बहुत ही अच्छी बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू कलर में है और मूर्ति बहुत ही अच्छी है, सच में मज़ा ही आ गया। यहाँ पे हर तरफ अच्छे अच्छे डेकोरेशन वगैरह मौजूद हैं और यहाँ पे जो पेंडॉल है वो भी बहुत ही बढ़िया है, कमाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये जो है बसंती नगर में, ठीक है ना, डीएल चौक से लेफ्ट लेंगे और आगे जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही बढ़िया बनाया है इन लोगों ने। फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ बसंती कॉलोनी में, डीएल चौक के लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये बनाया गया है और यहाँ पे मेला भी लगने वाला है। तो फिलहाल क्या है, मेला अभी लगा नहीं है, ठीक है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पैंडल बनाया गया है यहाँ पे। जब मेला लग जाएगा तो मैं इवनिंग में जरूर आऊँगा एंड पूरा ब्लॉग आपको जरूर दिखाऊंगा। सो वीडियो देखते रहिए, इसके बाद हम लोग उदित नगर जाने वाले हैं और उसके बाद पावर हाउस रोड भी जाने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। इनका यहाँ पे जो ये पैंडल बनाया है ना, ये एक टेम्पल की तरह है और ये शायद मुझे किसी साउथ के किसी टेम्पल की याद दिला रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया मतलब डेकोरेशन किए हैं, पिलर्स वगैरह रेड कलर का है, एक झूमर लगाए हैं ऊपर और यहाँ भी ब्लू कलर का बैकग्राउंड है और मूर्ति जो है काफ़ी बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल सा है और काफ़ी गोल्डन कलर का यहाँ पे फिनिशिंग है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेला लगने वाला है यहाँ पे, तो उसका मतलब अभी ये लोग सेटअप कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। मेला यहाँ पे लगने वाला है और काफ़ी सारे झूले लगने वाले हैं बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया आइटम सब लगने वाले हैं, बहुत एंजॉय करेंगे बच्चे। मैं भी यहाँ पे बैठने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं, जब लग जाएगा तब हम बाद में आएंगे तब बैठेंगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिविल टाउनशिप पहुंच चुके हैं हम, ये है मे फेयर के ठीक सामने। तो यहाँ पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं इसलिए साउंड थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे अभी बनाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और पूजा चल रही है। तो ये जो है इसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बन रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही बड़ा है, बहुत ही साइज में काफी बड़ा बनाया गया है यहाँ पे। एंड मेफेयर जो होटल है आप देखा होगा, मेफेयर जो होटल है उसके ठीक सीधे जो रास्ता है उसमें आपको आना है और यहाँ पे सामने ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बाद में एक बार फिर से आऊंगा। अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के यहाँ पे हम देखते हैं मूर्ति किस तरह की बनाई गई है। यहाँ पे नीचे चौकट टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं और यहाँ से हमें अंदर जाना है और यहाँ ऊपर अभी भी काम चल रहा है, ठीक है, डेकोरेशन अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन पूजा अभी भी चल रही है और हम लोग उसी वक्त पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए पूजा चल रही है, ये बहुत ही बढ़िया, लेकिन इतना बढ़िया डेकोरेशन यहाँ पे मैंने जितने भी देखे हैं सबसे बढ़िया डेकोरेशन यही वाला लग रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए वॉल पे भी काफ़ी अच्छी मतलब कारीगरी की गई है, कमाल का लग रहा है। सो नाइट के टाइम हम लोग आएंगे और रात में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये, फिलहाल तो अभी बन रहा है और हम लोग जब रात को आएंगे तो वो शॉट भी ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं हम पावर हाउस रोड में और सबसे बड़ा अगर कोई पंडाल बना है ना तो वो ये बना है, डेकोरेशन जो है वो यही है सिविल टाउनशिप वाला। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम पावर हाउस रोड में, पावर हाउस रोड जो चौक है उसी के पास ही यहाँ पे ये है और ये देखिए शिवजी का एकदम बहुत ही बड़ा, एकदम कम से कम ये 15-20 फीट से ऊपर होगा ही, ठीक है।
उतना बनाया गया है। ये मतलब चौक के पास ही SBI बैंक है ये, और उसके पास ही ये बनाया गया है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसी रोड पे आप आगे चलते जाएंगे तो और भी कई सारे आपको छोटे मोटे पंडाल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे और भी काफ़ी सारे खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं गणपति जी की। ये वाली मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, सच में मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, इट्स ऑसम सच में, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं गणपति बप्पा। और ये पावर हाउस रोड का एकदम बेस्ट बनाया गया है। तो बस इतना ही, और कौन सी वाली मूर्ति, कौन सा वाला डेकोरेशन आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं रात को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें रात की लाइटिंग के हिसाब से किस तरह का लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सुंदर वक्र तुंड त्रिनयना दासरामाचा।